नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स अकाउंटिंग के बारे में कि जीएसटी में हम टीसीएस के साथ ई कॉमर्स से जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली में किस तरह से पोस्ट करेंगे और उनके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमें ध्यान में रखने हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जिनके थ्रू हम अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन सभी ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लायर्स को पेमेंट किया जाता है, उसमें कमीशन की एंट्रीज किस तरह से पोस्ट होंगी, टीसीएस जो डिडक्ट किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, उसके क्या रूल्स रहेंगे और उसका आईटीसी हमें किस तरह से मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं ई कॉमर्स के साथ कि ई कॉमर्स क्या होता है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ई कॉमर्स मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इन सिंपल टर्म्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय बिजनेस एंड कंज्यूमर्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट नॉन एज ई कॉमर्स। दोस्तों, एक टर्म है ई कॉमर्स, इसमें आप अपनी सर्विसेज और गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू सेल आउट करते हैं। अब यहाँ पिक्चर में आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती हैं जिनके थ्रू हम अपना गुड्स और सर्विस सेल आउट करते हैं, उन्हें ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा गया है और इसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में मिल जाएगी। अब ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर्स। सप्लायर्स के लिए एज पर सेक्शन 24 सब सेक्शन 9 ऑफ द जीएसटी एक्ट, पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड और वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय देम। इट मींस यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विस सेल आउट करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन के साथ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जैसे कि सिंपल जो 20 लाख की लिमिट है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आपको यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स को सेल आउट करना है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी तरह से जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी रूल है, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ इन एवरी स्टेट वेयर देयर सप्लायर्स आर लोकेटेड, कि जहाँ जहाँ उनके सप्लायर्स होंगे उन सभी स्टेट्स में ई कॉमर्स ऑपरेटर को अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेशंस के साथ जीएसटी तो एप्लीकेबल है ही, साथ में टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इसे भी अप्लाई किया गया है। ई कॉमर्स कंपनीज विल हैव टू डिडक्ट 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस बिफोर मेकिंग पेमेंट्स टू देयर सप्लायर्स। दोस्तों, जब हम अपने गुड्स और सर्विसेज को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल आउट करते हैं तो ई कॉमर्स कंपनीज हमें जो पेमेंट करेंगी उस पेमेंट में 1% TCS काट कर फिर हमें पेमेंट मिलेगा। इट मींस यदि हमारी इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 1% ऑफ नेट टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज 0.5% ऑफ CGST और 0.5% ऑफ SGST आपका डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही हमें अमाउंट ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिसीव होगा। यदि हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है तो 1% ऑफ नेट टैक्सेबल सप्लाईज, दैट इज 1% ऑफ IGST हमारा डिडक्ट होगा। अब 13 सितंबर 2018 को अपडेट इशू किया है गवर्नमेंट ने कि TCS provisions under GST to be applicable from 1st of October 2018. 1 अक्टूबर से TCS के सारे provisions अप्लाई कर दिए गए हैं। इट मींस अब e-commerce ऑपरेटर अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले 1% TCS डिडक्ट करके फिर उन्हें पेमेंट करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, यदि आपकी खुद की वेबसाइट है और आप खुद अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं तो आप पर TCS अप्लाई नहीं होगा। TCS का प्रोविजन तभी आपके ऊपर अप्लाई होगा जब आप अपनी सर्विसेज या गुड्स को किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से सेल आउट करते हैं तो आपके ऊपर TCS के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। इसी तरह से जब ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS डिडक्ट कर लेगा तो द अमाउंट कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी रिमिटेड टू द गवर्नमेंट विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच अमाउंट वॉज सो कलेक्टेड। ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो भी अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा उसे मंथ एंड होने के बाद 10 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को उसे डिपॉजिट करवाना होगा और सप्लायर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव होगा वो तभी होगा जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा GST R8 फिल कर दिया जाएगा। तो
सप्लायर्स को उसका अमाउंट GSTR 2 में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो आइए चलते हैं टैली में और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम ई कॉमर्स से जुड़े हुए सारे ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से GST और TCS को अप्लाई करते हुए पोस्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी टैली कंपनी में GST को इनेबल करने लगा है, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए आप F11 प्रेस कीजिएगा। स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में GST को आपको यस करना है और GST डिटेल को यस करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन को आप फिल आउट करते हुए बाहर आ जाइएगा। उसके बाद आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। यहाँ मैंने आपके लिए पहले से लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, उन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है अमेजोन का, इसलिए मैंने अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक लेजर क्रिएट किया है। इस लेजर को आपको सैंडी डेटर में रखना है। मेंटेन बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस रखिएगा। उसका नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड सारी डिटेल को डालते हुए उसका GST नंबर यहाँ पर फिल आउट किया है और इसे सेव कर लिया है। GST नंबर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको नेट पर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप GST नंबर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लेजर हमें बनाना है वो बनाना है कमीशन का, जिसे अमेजन की वेबसाइट पर रेफरल फीस के नाम से दिया गया है। इसे आप कमीशन भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और इस पर हमको GST पे करना होता है जब भी हम अपना गुड्स और सर्विस अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल आउट करते हैं। उस ट्रांजेक्शन पर हमसे कुछ कमीशन चार्ज करता है और उस कमीशन पर हमें GST भी पे करना होता है। तो यहाँ पर आपको GST को एप्लीकेबल करना है, देन GST डिटेल में आपको रेट यहाँ सेट करना है 18% और इसे सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो लेजर हमारा बनेगा वो फिक्स्ड क्लोजिंग फीस के नाम से बनेगा। यहाँ पर हमने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रखा है। दोस्तों ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कमीशन के अलावा उनकी फिक्स्ड फी होती है जो आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर देनी होती है। यहाँ पे भी GST एप्लीकेबल कीजिएगा। GST डील को यस करते हुए 18% रेट सेट करते हुए इसे भी आपको सर्विस कैटेगरी में लेते हुए सेव कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो लेजर होगा वो शिपिंग चार्जेस के लिए होगा। इसके लेजर को मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है। शिपिंग चार्जेस को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन ऑपरेटर, जैसे मैं अमेजन की बात कर रहा हूँ तो अमेजन के वेबसाइट पर इजी शिप नाम से एक फैसिलिटी है, आप अमेजन की शिपिंग सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं और आप सेल भी अपने गुड्स को शिप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें शिपिंग चार्जेस के नाम से एक लेजर बनाना है, GST को एप्लीकेबल करना है और GST डिटेल को यस करते हुए 18% इसकी रेट सेट करनी है, सर्विस लेते हुए इसे सेव कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने चार लेजर्स क्रिएट किए हैं, अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, उस पर जो कमीशन हमें देना है वो मैंने बनाया है रेफरल फीस के नाम से, इस तरह से फिक्स्ड क्लोजिंग फी अगला लेजर बनाया है और एक शिपिंग चार्जेस के नाम से और लेजर बनाया है। अब बात आती है कि जब हम ऑनलाइन सेल्स करेंगे तो हमें एक सेल्स का लेजर बनाना होगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ऑनलाइन सेल्स अमेजोन, इसे मैंने सेल्स ग्रुप में रखा है। इसके ऊपर हमें GST अप्लाई करना है, लेकिन इसकी GST रेट हम यहाँ सेट नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टॉक आइटम सेल करने वाले हैं। यदि आप कोई सर्विस सेल करने वाले हैं तो सर्विस लेने पर आपको GST का रेट यहीं पर इसी लेजर में सेट कर देना है। चूंकि मैं गुड्स का एग्जांपल लेने वाला हूँ इसलिए मैं स्टॉक आइटम पर GST के रेट को सेट करूंगा और यहाँ पर मैंने इसी वजह से GST के रेट को सेट नहीं किया है। अब जब हम ऑनलाइन सेल्स करेंगे तो यदि आपकी लोकल सेल्स है, इंट्रा स्टेट सेल्स है, तो आपको CGST और SGST के लेजर्स क्रिएट करने हैं। अगर आप इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं तो आपको IGST का एक अलग से लेजर क्रिएट करना है। अब जब ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि अपने सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, यानी जब वो हमें अपने गुड्स और सर्विस का पेमेंट करते हैं तो TCS डिटेक्ट करके फिर पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें TCS के लेजर्स क्रिएट करने हैं। यहाँ TCS का जो भी अमाउंट वो डिटेक्ट करेंगे उस अमाउंट की इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें GST की फॉर्म में वापस मिल जाएगी, इसलिए TCS @0.5% CGST पर भी बनाना है और इसी तरह से SGST पर भी बनाना है। यहाँ पर मैं CGST और SGST पर ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अमेजोन का जो ऑफिस है वो हमने सेम स्टेट में एज्यूम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को TCS डिटेक्ट करने के लिए जो उनके सप्लायर्स का स्टेट है उसी स्टेट में उन्हें अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो यहाँ पर चूंकि वो TCS डिटेक्ट करेंगे और सेम स्टेट में है इसलिए TCS पर हमको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो CGST और SGST के माध्यम से मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने TCS को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखा है और इसे भी GST में ही रखा है। दोस्तों आप
यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, आप टैक्सेशन वाले फीचर्स में आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देता है TCS का, इसे हमें एक्टिवेट नहीं करना है, जस्ट इसे GST में डालना है। और चूंकि GST के साथ हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए इसे सेंट्रल टैक्स में लेते हुए आप सेव कर दीजिएगा। सेम इसी तरह से TCS @0.5% SGST के लिए क्रिएट कीजिए, इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखिए, GST स्टेट टैक्स, और इसे भी सेव कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारे बन गए ऑनलाइन सेल्स के सारे लेजर्स। अब हमारे बायर्स या कस्टमर्स जो ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस करने वाले हैं, उनके लेजर्स हमें क्रिएट करने होंगे। फर्स्ट हमारा लेजर है पवन कुमार, ये हमारा इंटर स्टेट कस्टमर है, तो इसे मैंने सैंडिडेटर में रखा है, बिल बाय बिल यस रखा है। इसका पूरा एड्रेस वगैरह आप टाइप कर लीजिएगा, स्टेट इंटर स्टेट है इसलिए मैंने दिल्ली लिया है, और इसे कंज्यूमर मानते हुए इसके लेजर को क्रिएट किया है। इस तरह से एक लेजर मैंने और क्रिएट किया है विकास कुमार, ये हमारा लोकल यानी इंट्रा स्टेट वाला कस्टमर है, सेम स्टेट में है, सैंडिडेटर, बिल बाय बिल यस, एड्रेस आप टाइप कर लीजिएगा, और इसे भी कंज्यूमर लेते हुए मैंने यहाँ पर इसे क्रिएट कर लिया है। लेजर्स क्रिएट करने के बाद मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है और उसके ऊपर भी GST रेट को अप्लाई कर दिया है, टॉय बस, और GST का रेट मैंने यहाँ पर लिया है 18%, और इसे क्रिएट कर लिया है। अब दोस्तों हम वाउचर एंट्री की बात करेंगे। सपोज 10,000 का गुड्स हमें ऑनलाइन अमेजन के माध्यम से सेल आउट करना है, तो यहाँ हम सेल्स वाउचर में आकर उसका इनवॉइस क्रिएट करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में आपको सेलेक्ट करना है अमेजन का लेजर। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर डिटेल टैली पूछ रहा है और उसके अंदर आपको सारी डिटेल फिल आउट करनी है। दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहले F12 प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पर अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइन नेम्स, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको कंसाइनी और बायर दोनों की डिटेल के लिए अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर कंसाइनी हमारा अमेजोन है जिसके माध्यम से हम अपना गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, और जो बायर है उसकी डिटेल हमें इस सेक्शन में डालनी होगी। उसके लिए Alt+M आप प्रेस कीजिएगा। जो भी लेजर्स आपने क्रिएट किए हैं पहले वो सारे लेजर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम पवन कुमार के साथ करना चाहते हैं जो कि हमारा दिल्ली का इंटर स्टेट पार्टी है। तो जैसे ही आप पवन कुमार के लेजर को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उसकी पूरी डिटेल, उसका एड्रेस, स्टेट वगैरह यहाँ पर फिल हो जाएगा। देन आपको सेल्स लेजर में ऑनलाइन सेल्स अमेजन लेजर को सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम में मैं यहाँ सेलेक्ट करने वाला हूँ टॉय बस, 10 norms, 1000 ईच, 10,000 का गुड्स हम सेल आउट करने वाले हैं। अब दोस्तों चूंकि हमारी पार्टी इंटर स्टेट है, तो आप Alt+A Alt+F1 में टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 18% अप्लाई हो गया है। तो इस ट्रांजेक्शन में हम IGST लगाते हुए इसका इन्वॉइस क्रिएट करने वाले हैं। अभी मैं इस एंट्री को इस तरह से सेव कर लेता हूँ। यदि आप इन्वॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt के साथ P प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं किस तरह से ये इन्वॉइस प्रिंट होगा, कंसाइनी और बायर उसका अलग से डिटेल आ जाएगा और पूरी इन्वॉइस प्रिंट होकर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इन्वॉइस में हम इसी तरह से गुड्स फिल से सेल आउट करना चाहते हैं, इसमें भी अमेजोन को ही आपको सेलेक्ट करना है पार्टी नेम में। देन जो बायर है उसमें हम लोकल पार्टी सेलेक्ट करने वाले हैं, Alt+M विकास कुमार, सेम स्टेट की पार्टी है। ये ट्रांजेक्शन हम इंट्रा स्टेट करने वाले हैं, और यहाँ मैंने फिर से टॉय बस 10 norms 1000 ईच, और चूंकि ये हमारी इंट्रा स्टेट पार्टी है, लोकल है, इसलिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स CGST और SGST हमको अप्लाई करना है। CGST SGST चार्ज करते हुए हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हमारी दो इन्वॉइसेस तैयार हो चुकी हैं, एक लोकल और एक इंटर स्टेट। ये दोनों ट्रांजेक्शंस हमें हमारे GSTR 1 में दिखाई देंगे। आप GSTR 1 में देखेंगे तो यहाँ B2B स्मॉल इन्वॉइसेस में वो दोनों इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट कर रही हैं, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। अब दोस्तों इसका पे आउट अमेजन के द्वारा किया जाएगा। अमेजन हमारे बायर से पैसा कलेक्ट कर लेगा और उसके बदले में वो कमीशन, फिक्स फीस, और यदि शिपिंग की सर्विसेज हमने अमेजन से हायर की है तो उसका पैसा भी वो काटते हुए बाकी का अमाउंट हमें पे आउट करेगा। तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होगी। कमीशन और फिक्स फीस के अलावा भी अमेजन के द्वारा पेमेंट करने से पहले नेट टैक्सेबल वैल्यू पर TCS डिटेक्ट किया जाएगा, और जो TCS हमारा डिटेक्ट होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें फिर से क्लेम करना होगा। इसलिए आप जनरल वाउचर में आइएगा। जनरल वाउचर में आपको Alt के साथ J प्रेस करना है, GST, और यहाँ इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नेचर ऑफ एडजस्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको एडिशनल डिटेल के अंदर यूज करना है TCS एडजस्टमेंट। यहाँ हम डेबिट करेंगे अपने सारे एक्सपेंसेस को, रेफरल फीस जिसे अमेजन कमीशन भी कहा जाता है, और कमीशन हमारी दो इन्वॉइसेस हैं, सपोज 1000 रेफरल फीस अमेजन के द्वारा चार्ज किया गया है। देन हमें डेबिट करना है फिक्स क्लोजिंग फीस, उसे मैंने 100 एज्यूम कर लिया है,
इसी तरह से यदि आपने शिपिंग सर्विसेज को अमेजन से हायर किया है तो उसे भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है, शिपिंग चार्जेस उसे भी मैंने एज्यूम कर लिया है 100 रुपीज़। यदि आपने शिपिंग अमेजन से नहीं लिया है तो आपको उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। अब इन सारी सर्विसेज पर जो 1200 रुपीज़ की हो रही है उस पर अमेजन के द्वारा GST चार्ज किया जाएगा 18%, डेबिट CGST @9% और जो वैल्यू है सर्विसेज की वो है 1200, दैट इज 108 रुपीज़। इस तरह से डेबिट SGST 9% ऑफ 1200 रुपीज़। अब अमेजोन जो TCS हमारा डिटेक्ट करेगा उसको भी हमें यहाँ पोस्ट करना है, डेबिट TCS @0.5%, CGST यहाँ दोस्तों आपको रेट रखना है 0.5%। और जो नेट टैक्सेबल वैल्यू थी हमारी, दो इन्वॉइसेस थी 10,000 की, तो 20,000। अब 20,000 का हमको 0.5% निकालना है जो कि होगा 100 रुपीज़। फिर से डेबिट TCS 0.5, वो भी हमारी टैक्सेबल वैल्यू 20,000 पर कैलकुलेट होगा 100 रुपीज़। और क्रेडिट हमें करना है अमेजन के लेजर को। अब अमेजन से हमें 21,984 रुपीज़ रिसीव होंगे। हमारी दो इन्वॉइसेस थी, दोनों ही इन्वॉइसेस यहाँ पर आपको पेंडिंग बिल्स में दिखाई दे रही है सेम अमाउंट के साथ। इन दोनों इन्वॉइसेस में हमें 16 जो अमाउंट है उसे इक्वल एडजस्ट करवाना है। सेकेंड इन्वॉइस 808 रुपीज़, फर्स्ट इन्वॉइस 808 रुपीज़। इस तरह से एडजस्टमेंट करते हुए हम इस TCS एडजस्टमेंट एंट्री को सेव कर लेंगे हैं। जब हमें अमेजन से अमाउंट रिसीव होगा तो हम अपने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करेंगे अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 21,984, देन अगेंस्ट रेफरेंस इन्वॉइस नंबर 1 और अगेंस्ट रेफरेंस इन्वॉइस नंबर 2, और बैंक में हम इसे डिपॉजिट करवा देंगे। इस तरह से हमने अमेजन से अमाउंट रिसीव कर लिया है। अब मैं आपको GSTR रिपोर्ट दिखा देता हूँ। GSTR 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। GSTR 1 में आपको दोनों इन्वॉइसेस दिखाई दे रही हैं। GSTR 3 भी, इसमें भी आप देख रहे होंगे लोकल सेल्स टैक्सेबल 10,000, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल 10,000, टोटल आउटवर्ड सप्लाई 20,000 शो हो रही है जिस पर टैक्स 3,600 बन रहा है। अब दोस्तों GSTR 2 में जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना GSTR रिटर्न GSTR 8 फिल करेगा, देन फिर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो TCS का हमने एडजस्टमेंट किया है वो हमारे GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। यहाँ आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको CGST 792, IGST 1800, SGST 792 और TCS का जो एडजस्टमेंट किया था हमने उसके दोनों लेजर्स 0.5 SGST और CGST के लिए 100 रुपीज के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स हमारी टोटल लाइबिलिटी बन रही है 3,384 और उसमें हमें TCS के फॉर्म में 200 रुपीज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पर 3,384 में से 200 लेस हो जाएंगे और हमें 3,184 अपनी लाइबिलिटी को पे करना होगा। पेमेंट करने से पहले हमें TCS लेजर्स को एडजस्ट करवाना होगा। उसके लिए फिर से हमें अपने जनरल वाउचर में चलना है F7। यहाँ पर हमें अपने टैक्स लेजर CGST को डेबिट करना है 100 रुपीज़ के साथ। इसी तरह से SGST लेजर को भी 100 रुपीज़ के साथ डेबिट करना है और क्रेडिट हमें करना है TCS 0.5 CGST अकाउंट 100 रुपीज़ और TCS 0.5 SGST अकाउंट, दोनों को ही हमें क्रेडिट करते हुए एडजस्ट करना है। फिर से आप बैलेंस शीट में चलकर देखेंगे तो बैलेंस शीट में अब रिजल्ट वही आ रहा है 3,184, लेकिन यहाँ पर अब फिगर्स क्लियर हो चुके हैं। हमारी लाइबिलिटीज 3,184 यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों जो लेजर्स थे वो अब यहाँ से हट चुके हैं। अब हम इनका पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में चलेंगे। डेट में चेंज कर लेता हूँ, फर्स्ट मे ले लेता हूँ नेक्स्ट मंथ की F5। देन स्टेट पेमेंट के लिए ऑल के साथ S प्रेस कीजिएगा, GST 1 अप्रैल 30 अप्रैल रेगुलर। और हमारे जो तीनों टैक्स लेजर्स हैं IGST 1800 रुपीज़, डेबिट CGST जो कि है 692 रुपीज़, डेबिट SGST वो भी 692 रुपीज़, और इनका हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के बाद जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज नील दिखाई देगी। अब यहाँ पर कोई लाइबिलिटी आपको शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किस तरह से आप ई कॉमर्स से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन्स को GST और TCS के साथ टैली में पोस्ट करेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।